तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। अ वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, बजरंगबली की जय। दोस्तों तो आज मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं और मैं चाहता हूं प्लीज आप मुझे माफ कीजिए, क्योंकि आज वाला जो व्लॉग है वो बन के रेडी था, बस मैं उसको एडिट नहीं कर पाया क्योंकि जैसा आपको सबको पता है कल मेरा बर्थडे था और मैं बर्थडे के टाइम पे मथुरा गया था, बांके बिहारी के मैंने दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और जिसको भी अभी बांके बिहारी जाना है ना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा खुद कि आप लोग प्लीज जाओ, क्योंकि बांके बिहारी जी अभी कुछ फेस्टिवल आने वाला है तो उसकी वजह से ना बाहर रखे हुए हैं, तो बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, टच करने का मौका मिल रहा है ना, उनका पूरा श्रृंगार करके रखा गया है, उनको पूरा आप सामने से दर्शन कर सकते हो, मतलब इतनी भीड़ नहीं है, बिल्कुल भीड़ नहीं है, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, धक्का मुक्की कुछ भी नहीं होगी, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, आप लग सकते हो लाइन में, लाइन नहीं है, आप नॉर्मली बहुत इजीली दर्शन कर सकते हो, सामने से जाके प्रसाद चढ़ा सकते हो आप लोग, और सामने से जाके ऐसे फूल चढ़ा सकते हो, बिल्कुल सामने बैठे रहेंगे बिल्कुल आपके, है ना। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं सॉरी इसलिए बोलना चाह रहा हूँ आपसे क्योंकि मैं ना हुआ क्या कि मैं 3 बजे मेरी ट्रेन थी तो वो हो गई थी काफी लेट, 6 बजे करीब वो आई थी मथुरा में, मथुरा से फिर मैं जब ग्वालियर के लिए आया वापस तो मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो जितना भी मैंने ब्लॉग बनाया था वापस घर पे आके केक वगैरह काटा और सारी चीजें की, तो उसमें ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैं बहुत ज्यादा थक गया था क्योंकि मैं 10 तारीख को सुबह से जग रहा हूँ, 12-1 बजे से जग रहा हूँ, जैसा कि आप ब्लॉग में देखेंगे 12-1 बजे से जग रहा था मैं प्रॉपर, तो मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ। अभी आप टाइम देख रहे हो पीछे, आप देख पा रहे हो ये, आप पीछे टाइम देख रहे हो, ये देखो आप, अभी बज रहा रात के 3, तो मैं अभी एडिट कर रहा था वीडियो, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है और मैं, मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई दोस्तों, मुझे प्लीज माफ कर दो आप लोग, आज का ब्लॉग मैं नहीं डाल पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट गाइस, प्लीज आप लोग इस चीज को कंसिडर कीजिए, प्लीज मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आप लोगों का, और दिल से आप लोग मुझे प्यार करते हो जितने भी लोग देख रहे हो, प्लीज प्यार करो, और प्यार करना और क्षमा करना ना ये इंसान की क्वालिटी होती है, तो बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं आप लोगों के अंदर, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो मुझे मालूम है, और मुझे क्षमा भी करोगे आप लोग मुझे मालूम है, है ना। तो और बहुत सुंदर एक वो है ना कविता की, सबसे सुंदर क्या है इस दुनिया में, सबसे सुंदर है इंसान, तो आप लोग वह इंसान हो जो सबसे सुंदर हो और खूबसूरत हो, तो प्लीज मुझे क्षमा करो, क्षमा क्या यार दोस्तों, प्लीज थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ यार, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं अब आप खुद देख लो 3 बज रहा है ये रात का, मैं ये आप लोग के लिए मैं सोच रहा था एक शूट तो मैं कर ही दूं, और मेरी एडिटिंग चल रही है अभी भी, मतलब उसमें मैं क्या बताऊं, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ यार, मैंने घर आके भी फिर पिज्जा ही वगैरह खाया था, ये देखो आप पिज्जा वगैरह ही खाया ये, और मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं एडिट करने बैठ गया था पूरा, रोटी वगैरह कुछ नहीं खाया, मैं एक दिन से पूरा भूखा हूँ आप समझो, मथुरा में मैंने कुछ भी नहीं खाया था और मथुरा में मैंने सिर्फ एक गन्ने का जूस पिया था, बाकी ये घर आके सिर्फ पिज्जा खाया, सिर्फ पिज्जा, वो भी सिर्फ एक ही खाया, एक बाकी रख दिया है, वो सब आप ब्लॉग में देखोगे अगले दिन। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग का प्यार इतना है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो मुझे, है ना, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है बनाने में, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है ताकि आप लोग का मनोरंजन बरकरार रहे दोस्तों, और अभी फिलहाल के लिए मुझे माफ कर दो, बस आज मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, लेकिन करता हूँ एडिट आप लोगों के लिए, एडिट करता हूँ मैं दोस्तों, और डालते हैं अगले दिन, अगले दिन मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ, एक नई जर्नी के साथ, और मथुरा के दर्शन करेंगे दोस्तों, राधा रानी के भी करेंगे इस बार दर्शन, है ना, मैं पूरा वीडियो बना के लेके आया हूँ, ठीक है दोस्तों, ठीक है, जय हिंद, शुभरात्रि, शुभरात्रि क्यों, मतलब गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, आज के लिए बस इतना ही, दुआ करूंगा आप लोग खुश रहें, आवाज रहे, बढ़िया रहो आप लोग, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, खुश रहो आप लोग, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, बजरंगबली कीजिए दोस्तों, राम राम, राधे राधे, प्लीज माफ कीजिएगा मुझे, प्लीज आज के लिए बस माफ करो, ठीक है।